हेलो गाइस, तो के सब सही लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज एक और नया एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। जैसे कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था, आई थिंक हम डेकोरेशन वगैरह ही कर रहे थे, इसको आज की वीडियो में भी यही है। एंड आई होप मुझे पता है कि मैं वीडियो बहुत दिनों बाद छोड़ रही हूँ, सो इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। देन लेट्स गो द वीडियो एंड स्पेल कर चुके। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर कर देना। देन लेट्स गो द वीडियो। सो हम आ गए हैं ग्रैंड प्रिंस हाउस में एंड हम पहले अपने वॉल का कलर चूज करेंगे जो कि मैं रखना चाहूँगी, ये वाला। ये डिज़ाइनर भी है तो ब्यूटीफुल भी लग रहा है। एंड फर्श का कलर ये रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में हम ये नहीं, हम ये रख देंगे मतलब वॉल का कलर एंड ये यहाँ पे, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा सेम होने से अच्छा नहीं लगता। चलो, तो ये सब तो हो गया वॉल वगैरह, तो थोड़ा देख लेते हैं वॉल कलर, जो अगर और भी कोई अच्छा सा कलर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी चलो हम चल देते हैं फर्नीचर पर। नहीं, फर्नीचर पर नहीं, हम वॉल हैंगिंग वगैरह मतलब वॉल डिजाइनिंग वगैरह 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 में चलते हैं, बिकॉज वॉल को तो डेकोरेट करना ही पड़ेगा, वरना अच्छा तो ही ना लगता है ना। ये सिंपल सी बात है, अच्छा नहीं लगता ये, यार ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हमने डाला है ये, और ऊपर रहेंगे ये सीनरी वगैरह, फ्लावर्स फूल पिक्चर्स वगैरह रहेंगी। तो यहाँ पे ये रख देते, ये वाला छोटे छोटे मतलब वो क्या कहते हैं इसको, वो जे वो ही ठीक है, मतलब वही कह लो वॉल हैंगिंग्स। एंड और कुछ ज़्यादा नहीं लगाएंगे। एंड ये वाला थोड़ा सा एक ये वाला लगा देंगे, बिकॉज वॉल ज़्यादा भरा भरा लगे तो ज़्यादा सुंदर लगता है ना, है ना। ओके, तो फिर अब हम चलते हैं फर्नीचर वगैरह में चलते हैं। हम अब लगाएंगे सोफ़ा वो वाली साइड पे, और सोफ़ा भी चाहिए रहता है एक्चुअली में, सोफ़ा भी चाहिए रहता है, वरना सोफे के बगैर अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे भी रखेंगे हम ये वाले वॉल पे लगते हैं ज़्यादा, मतलब ये वाले रूम में रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब सो गाइज, हमने मिनी सोफ़ा भी लगा दिया, मतलब वन सिंगल सोफ़ा भी लगा दिया। एंड यहाँ पे ड्रॉट वॉल लगाने से हमारा फुल लुक कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक और वो ड्रॉट टाइप शोकेस वगैरह टाइप रख दिया, मतलब जो है कई लोग रखते हैं यहाँ पे सामान वगैरह रखवाने के लिए, मेडल वगैरह रखवाने के लिए, तो हमने वो रख दिया। एंड मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से ये ड्रॉर हटा के वहाँ पे एक क्लॉक लगा दूँ, वॉल क्लॉक, पर फिर भी हम एक बार लुक को करके देखते हैं पूरा पूरी, मतलब तो फिर हमें फिर ही समझ आएगा कि ये लुक अच्छा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब टी वी फी भी लगवाना हो तो कहाँ पर लगाएंगे, बट फिर भी टी वी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे टी वी वहाँ पर मतलब रूम में लगवाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो इसके साइड वाला रूम है वहाँ पर, एंड ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको हम डिलीट वगैरह कर देते, मतलब यहाँ से डस्टबिन में डाल देते, इसे ये रिमूव कर देते, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे एक क्लॉक, ये वाला क्लॉक, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, क्लॉक भी सुंदर लगता है ये वाला। तो ये क्लॉक लगा दिया हमने। एंड और हम लगाएंगे लाइट वगैरह लगाएंगे, जो कि लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइट नहीं लगाएंगे तो रोशनी कहाँ से ही आएगी हमारे घर में। एंड और हम क्या लगाएं, दो लाइट लगा देते हैं यहाँ पे ताकि रोशनी अच्छा सा रोशनी बना रहे। एंड उसके बाद हम लगाएंगे क्लॉथ्स की तो बात छोड़ो, वो तो हम लगाएंगे ना, क्लॉथ्स छोड़ो। एंड ये हो गया हमारा फुल प्लीट। एंड आपको आप बताना कि आपको ये लुक कैसे लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना। एंड दुर्गा पूजा का ब्लॉग ज़रूर आ जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ठीक है, हमने ये सारा काम निपटा दिया, मैंने मतलब यही सारा काम निपटा दिया। सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर से कर देना, आने वाले और व्यूअर्स की न्यू एपिसोड्स आपको मिल जाएंगी। टाटा, बाय बाय।